कभी-कभी आपको यूपीआई पर या कहीं पर भी मैसेज सेंड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर दिखाता है वेरिफिकेशन फील्ड, देयर वाज एन एरर इन सेंडिंग मैसेजेस। तो बेसिकली ये क्या इशू रहता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, पेटीएम पर इशू है हमारा और ये जो है वेरिफिकेशन फील्ड बता रहा है। अब ये बताएगा किन किन रीज़न से, ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये तो बिल्कुल एक खुला मतलब वेरिफिकेशन फील्ड होता है। अब जैसे आपका सिम बंद हो या मैसेज रिसीव करना या रिसीव करना और नहीं हो, उसकी नो सर्विस दिखा रखी हो, तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर ये जो है इशू देखने को मिल जाता है। यानी कि आपके मैसेजेस ही, आपके मोबाइल में सिम तो पड़ा होता है लेकिन वो वर्किंग नहीं होता है, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो अब बेसिकली इसको सॉल्व क्या करें, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली एक तरीका है बस, कि पेटीएम पर जाइए, प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से पेटीएम को सर्च करिए, ठीक है, और अपडेट कर लीजिए। सही है, तो आपको इतना करना है। और फिर यहाँ से जो है आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने सिम को चेक कर लेना है कि वो स्टार्ट है, बंद है या नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। अगर सिंपली उसको स्टार्ट कर लेना है सेटिंग्स में से बंद करके, और अगर मतलब कि अगर इनका भी बंद होती है तो इस तरीके से नहीं दिखाता, इंटरनेट अगर चलता होता है वो रिसीव कर लेता है लेकिन मैसेज आपको रिसीव नहीं हो पाता, बंद होता है तो सिचुएशन में यूपीआई में कहीं पर भी वो इस तरीके से मना कर देता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन का आपको ध्यान रखना है, अपने फ़ोन को बंद करके सिम को बिल्कुल स्टार्टिंग पर रखिए, तो आपको ये सब चीज़ें सेटिंग्स करने को मिलेंगी, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। और पेटीएम पर भी आपको चले जाना है एक दफ़े ऐप्स में जाकर, मैनेजर्स में जाकर, और उसकी भी कुछ सेटिंग्स से देख लेनी है कि उन्होंने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पेटीएम को सर्च करिए, ठीक है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है उसी को, तीनों को स्टार्ट रख देना है आपको। और यहाँ पर ऐप परमिशंस पर जाकर मैसेज, फ़ोन जो है, इन दोनों के SMS की और फ़ोन की परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है, जो कि दोनों यहाँ पर अलाउ है, तो फिर आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका सोल्यूशन करते हैं तब। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।